वेलकम एवरीवन टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में मोमेंट ऑफ अ फोर्स ये टॉपिक का 11th प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, देखो ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। ये प्रॉब्लम ऑलरेडी एग्जाम में दो बार आ चुका है। देखो लिखा है इन द ईयर समर 17 एंड विंटर 22, 5 मार्क्स के लिए आ चुका है। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, आपके सभी फ्रेंड्स उनके साथ इसे जरूर शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब के साइड में जो बेल आइकॉन है उसको ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यहां पे सबसे पहले हमें डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। कोई भी टाइप का डायग्राम दिया हुआ नहीं है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एग्जाम में ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते ओनली बिकॉज वहां पे डायग्राम दिया हुआ नहीं होता। क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले एक डायग्राम ड्रॉ करना है। डायग्राम ड्रॉ करना बिल्कुल सिंपल है, क्वेश्चन प्रॉपरली पढ़ो, इसको समझ लो। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, फोर फोर्सेस की बात हो रही है, ठीक है। अब ये फोर्सेस हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल है कि इंक्लाइंड है वो हमें नहीं पता, क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे समझ में आएगा। फोर फोर्सेस 30 न्यूटन अपवर्ड, 40 न्यूटन डाउनवर्ड, 70 न्यूटन अपवर्ड एंड 60 न्यूटन डाउनवर्ड। जो चारों फोर्सेस है अपवर्ड डाउनवर्ड दिया है, इसका मतलब ये है कि चारों के चारों वर्टिकल फोर्सेस है। तो अगर आपको डायग्राम ड्रॉ करना है तो पहले एक हॉरिजॉन्टल बार ड्रॉ करना पड़ेगा। वो हॉरिजॉन्टल बार बोलो या हॉरिजॉन्टल बीम बोलो या हॉरिजॉन्टल रॉड बोलो, उसके ऊपर आपको फोर फोर्सेस शो करना पड़ेगा और सभी के बीच में डिस्टेंस क्या है वो यहां लिखा है। डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस आर 400 mm, 600 mm, 800 mm। देखो mm में दिया है तो आपको mm में ही सॉल्व करना है, यूनिट कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है तो कन्वर्ट करो लेकिन जरूरत नहीं है, mm में ही सॉल्व करो। क्या फाइंड आउट करना है यहां पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द मोमेंट ऑफ अ कपल, हमें मोमेंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या है, डायग्राम ड्रॉ करना। डायग्राम अगर एग्जाम में नहीं दिया है तो ड्रॉ किया करो, क्योंकि बिना डायग्राम के सॉल्व मत किया करो। डायग्राम ड्रॉ करने से आपको सॉल्व करने में आसानी होती है। देखो अगर हमें यहां डायग्राम ड्रॉ करना है तो सबसे पहले हम एक हॉरिजॉन्टल बार यहां पे ले लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि हॉरिजॉन्टल, क्योंकि क्वेश्चन में जो चार फोर्सेस है चारों वर्टिकल है तो जाहिर सी बात है जो वर्टिकल फोर्सेस है वो एक हॉरिजॉन्टल बार के ऊपर ही एक्ट होंगे ना, ठीक है। तो हमने यहां पे हॉरिजॉन्टल बार ले लिया है और यहां पे चार वर्टिकल फोर्सेस हम शो करेंगे। सबसे पहला फोर्स है 30 न्यूटन का जो अपवर्ड जा रहा है, तो ये देखिए हम ये 30 न्यूटन का फोर्स शो करेंगे अपवर्ड, ये हमने ले लिए अपवर्ड, ठीक है, जो दिया है उसी के अकॉर्डिंग। आगे पढ़ेंगे, आगे लिखा है 40 न्यूटन डाउनवर्ड, तो यहां से हम 40 न्यूटन ये देखिए ये डाउनवर्ड शो करेंगे, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट उसके बाद लिखा है 70 न्यूटन अपवर्ड, तो यहां पे हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, ये देखो 70 न्यूटन अपवर्ड ये हमने ले लिए। उसके बाद है 60 न्यूटन डाउनवर्ड, तो हम इसको कॉपी कर लेंगे, ये देखिए 60 न्यूटन डाउनवर्ड ये हम इस तरह से शो करेंगे। तो फाइनली चार फोर्सेस जो है वो हमने यहां पे शो किए हैं। तो ये बीम को हमने नाम दे दिया है और अब यहां पे ये चारों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड हम यहां लिख लेंगे। मैग्नीट्यूड दिया है पहला फोर्स 30 न्यूटन, तो ये हम यहां लिख लेंगे 30 न्यूटन ये अपवर्ड। नेक्स्ट फोर्स है 40 न्यूटन ये डाउनवर्ड, ठीक है। उसके बाद लिखा है 70 न्यूटन ये अपवर्ड, ये देखो ये हमने शो किए। उसके बाद है 60 न्यूटन ये है डाउनवर्ड। तो ये चारों फोर्सेस जो दिए हैं वो हमने यहाँ पे शो किए हैं और फाइनली डायग्राम यहाँ पे कंप्लीट हुआ क्या, नहीं। यहाँ पे डिस्टेंसेस वगैरह शो करना है, चलो वो भी हम शो कर लेंगे। डिस्टेंसेस की अगर बात करें तो पहले दो फोर्स के बीच में का डिस्टेंस है 400 mm, ये है 400 mm में दिया है तो mm में ही हम सॉल्व करने वाले हैं 400 mm। उसके बाद है 600 mm और उसके बाद दिया है 800 mm, ठीक है, डिस्टेंस हमने यहाँ पे शो किया है। तो फाइनली ये डायग्राम यहां पे कंप्लीट हो गया, ठीक है, डायग्राम बनके तैयार है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ओके। और अब हमें सॉल्व करना है और क्या फाइंड आउट करना है, मोमेंट फाइंड आउट करना है। ये 5 मार्क के लिए एग्जाम में आया था तो आपको सबसे ज्यादा जो है टाइम स्पेंड करना चाहिए मोमेंट की इक्वेशन पे। देखो जो मोमेंट फाइंड आउट करना है ना उसके लिए आपका मोमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मोमेंट का कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर नहीं है तो इसके पहले हमने मोमेंट के वैरायटी ऑफ वीडियोस बनाए थे, वो वीडियोस आप देख लीजिएगा, लेकिन फिर भी मोमेंट में कंफ्यूजन कहाँ होता है वो सुनो। अभी हमें जो मोमेंट निकालना है ना, मोमेंट अगर निकालना है तो जाहिर सी बात है हमें समेशन ऑफ मोमेंट ऐसा लिखना पड़ेगा, है कि नहीं, समेशन ऑफ मोमेंट। मोमेंट हमेशा कोई ना कोई पॉइंट पे अप्लाई करना होता है, या तो ए पॉइंट पे या तो बी पॉइंट पे या तो सी डी पे। तो यहां पर हम मोमेंट ए पॉइंट पे ले लेंगे, सो टेक समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट ए, तो हम यहां लिख लेंगे बेस में ए। और अब देखो मेन कंफ्यूजन कहां होता है, देखो समेशन करने के लिए हमने यहां रूल लिया है क्लॉकवाइज वाले फोर्सेस पॉजिटिव, असली कंफ्यूजन इसी में होता है।
देखो प्रॉब्लम सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं, या तो आप मोमेंट के टाइम क्लॉकवाइज फोर्सेस पॉजिटिव लो, या तो आप एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस पॉजिटिव लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट डिफरेंट दिए हैं, कुछ बुक्स में क्लॉकवाइज फोर्सेस पॉजिटिव लेके सॉल्व किया है तो कुछ बुक्स में एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस पॉजिटिव लेके सॉल्व किया है। दोनों के थ्रू आंसर एक ही आता है। आपके कॉलेज में आपके लेक्चरर आपको जो मेथड फॉलो करने के लिए कह रहे हैं आपको वो मेथड फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो दोनों में से अभी हम फिलहाल एक यहां पे क्लॉकवाइज फोर्सेस पॉजिटिव लेके सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, आपके लिए हम यहां एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस पॉजिटिव लेके भी सॉल्व करके बताएंगे, दोनों के थ्रू आपको बताएंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। हम आपको दो सॉल्यूशन यहां बताएंगे, ठीक है। देखो यहां पे क्लॉकवाइज फोर्सेस पॉजिटिव वाला यहां पे लिखते हैं और एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस पॉजिटिव वाला यहां लिखते हैं, समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट ए, और ये एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस पॉजिटिव वाला यहां लिखते हैं। दोनों के थ्रू देखना आंसर एक ही आएगा। तो मोमेंट हम कहां अप्लाई कर रहे हैं, ए पॉइंट पे। मोमेंट क्या होता है, मोमेंट एक ऐसा फोर्स होता है जो अप्लाई करने के बाद बॉडी या तो क्लॉकवाइज रोटेट करती है या तो एंटी क्लॉकवाइज, और मोमेंट का फार्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो यहां पे हम मोमेंट ए पॉइंट पे अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या लिखा है, समेशन ऑफ एम ए। समेशन ऑफ एम ए का मतलब होता है समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस, सभी फोर्सेस का मोमेंट एट पॉइंट ए। टोटल कितने फोर्सेस है यहां पे, टोटल यहां पे चार फोर्सेस है, चारों का मोमेंट। लेकिन मोमेंट का एक रूल है, मोमेंट का रूल क्या है वो सुनो, वो अप्लाई करो। मोमेंट का रूल ये है कि मोमेंट आप जो पॉइंट पे अप्लाई करेंगे वो पॉइंट से पास होने वाले सभी फोर्सेस जीरो, मोमेंट आपने जहां अप्लाई किए हैं वहां से आने जाने वाले सभी फोर्सेस जीरो। तो देखो मोमेंट आपने कहां अप्लाई किया है, ए पॉइंट पे, तो ए पॉइंट से जो भी फोर्स पास होगा ना वो जीरो। तो चेक करो ए पॉइंट से कौन सा फोर्स हो रहा है पास, तो ए पॉइंट से जा रहा है 30 न्यूटन, ये ए पॉइंट से जा रहा है। तो अगर ये 30 ए पॉइंट से जा रहा है तो 30 का मोमेंट जीरो हो जाएगा, 30 मोमेंट की इक्वेशन में नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि 30 ए पॉइंट से जा रहा है। देखो वो इसलिए जीरो हुआ क्योंकि 30 का डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए जीरो है, इसका डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए जीरो है, इसलिए उसका मोमेंट भी जीरो हो गया, इसलिए हमें उसको इक्वेशन में नहीं लेना है, ठीक है। तो फाइनली चार में से एक फोर्स जीरो हो गया, बचे तीन फोर्सेस, तीनों में से कोई भी ए से पास नहीं हो रहा है, तो तीनों के तीनों मोमेंट की इक्वेशन में आएंगे। तो चलो तीनों को मोमेंट की इक्वेशन में लो, लेकिन मोमेंट की इक्वेशन में लेंगे तो रूल के अकॉर्डिंग लो। देखो समेशन का रूल है क्लॉकवाइज वाले फोर्सेस पॉजिटिव, तो हम पहले यहां क्लॉकवाइज का इक्वेशन लिख लेते हैं, मतलब जो भी फोर्सेस क्लॉकवाइज है ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में। देखो यहां पॉइंट ए है, ए के रिस्पेक्ट में ऐसे जो क्लॉकवाइज है ना वो हम यहां पॉजिटिव मिलेंगे और जो एंटी क्लॉकवाइज है वो हम निगेटिव मिलेंगे। तो देखो 40 न्यूटन ऐसा नीचे जा रहा है, चेक करो कि ये ए के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। तो चेक करने के लिए ये दो फिंगर्स एज अ कॉम्पास है, ऐसा मान के चलो मोमेंट आपने जहां लिए वहां एक फिंगर रखो और दूसरा फिंगर फोर्स के डायरेक्शन में घुमाओ और अपने हाथ का मूवमेंट चेक करो। तो मोमेंट हमने ए पॉइंट पे लिया है तो ये फिंगर हम रखते हैं ए पॉइंट पे और जो दूसरा फिंगर है वो फोर्स के डायरेक्शन में घुमाते हैं। ये जो 40 है वो ऐसा नीचे जा रहा है तो दूसरा फिंगर ऐसा नीचे घुमाओ। तो जब हम ऐसा नीचे घुमा रहे तो ये क्या हुआ, ये 40 ए के रिस्पेक्ट में ऐसा क्लॉकवाइज हुआ, ऐसा इस तरह से क्लॉकवाइज हुआ, मतलब 40 आएगा इक्वेशन में प्लस में, तो 40 प्लस में इनटू ए से लेके 40 तक का लेंथ, तो ये हो गया 400 इनटू लेंथ। हमने क्यों किया, क्योंकि मोमेंट का फार्मूला अभी हमने आपको कहा था, मोमेंट यानी फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसलिए फोर्स इनटू डिस्टेंस किया है। चलो 40 का हो गया, ये देखो ये चेक कर लेंगे कि ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर है क्या, तो यस, ये देखो ये फोर्स और ये डिस्टेंस दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। देखो यहां पे भी ये जो डिस्टेंस है वो पूरा परपेंडिकुलर है, डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होना चाहिए। आप कोई भी डिस्टेंस लिख नहीं सकते, इंक्लाइंड डिस्टेंस लिख नहीं सकते, आपको डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर वाला ही लिखना चाहिए। चलो पहला फोर्स हो गया, नेक्स्ट कौन सा फोर्स है, चलो लेंगे 70 देखो ऊपर जा रहा है, चेक करो कि ये ए के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो चेक करने के लिए हम ये दो फिंगर में से ये फिंगर ए पे रखते हैं और दूसरा फिंगर जो है वो फोर्स के डायरेक्शन में घुमाते हैं। 70 ऊपर जा रहा है तो दूसरा फिंगर ऐसे ऊपर घुमाओ, ऐसे ऊपर घुमाओ, तो ये क्या हुआ, ये 70 हुआ ऐसा एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर ये 70 एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो ये लेंगे माइनस में, -70 इनटू ए से लेके 70 तक का लेंथ, तो 400 प्लस 600 कितना हो गया 1000, एक मिनट, तो ये हो गया इनटू 1000, ओके। तो इस तरह से, एक मिनट थोड़ा सा इसको और इधर कर लेते हैं, लंबा इक्वेशन जा रहा है, ठीक है, और इसको भी हम उधर कर लेते हैं, ठीक है, या फिर उसको नीचे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, तो यहां 70 हो गया एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए माइनस इनटू 1000, ए से लेके 70 तक का लेंथ, मोमेंट ए पे लिया है ना इसलिए ए से काउंट करने का।
नेक्स्ट 60 देखो नीचे जा रहा है, चेक करो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो 40 की तरह ये भी 60 ऐसा नीचे जा रहा है, तो ये भी ए के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज है, ऐसा ऐसा क्लॉकवाइज है, तो 60 हो गया प्लस में, प्लस 60 इनटू ए से लेके 60 तक का लेंथ, यहां से लेके यहां तक, तो ये हो गया 1000 प्लस 800, तो ये हो गया 1800। तो ये फाइनली हमने मोमेंट का इक्वेशन लिख लिए, बस अब इसको कैलकुलेटर में पुट करो तो इसका कुछ आंसर आएगा, तो इसका आंसर आएगा 54,000, इसका यूनिट हम लिख लेंगे न्यूटन एमएम, क्योंकि आपने एमएम में ही रख के सॉल्व किया है, तो ये हमने मोमेंट का वैल्यू फाइंड आउट किए। और यहां पे प्रॉपरली चेक करो, ये जो आंसर है ये पॉजिटिव में है, पॉजिटिव में है, इसका मतलब ये है कि ये जो मोमेंट है ये क्लॉकवाइज है, क्योंकि हमने यहां पे रूल क्या लिया है, क्लॉकवाइज वाले फोर्सेस प्लस, मतलब अगर आंसर प्लस में आया मतलब मोमेंट क्लॉकवाइज है, अगर आंसर माइनस में है मतलब मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो ये जो है आंसर प्लस में है, इसका मतलब जो मोमेंट है वो यहां पे क्या है, क्लॉकवाइज है, तो हम यहां ब्रैकेट में लिख लेते हैं कि ये मोमेंट क्लॉकवाइज है, मोमेंट जो है 54,000 न्यूटन एमएम ये क्लॉकवाइज है। ओके, समझ में आया यहां तक, तो ये हो गया एक मेथड। चलो इसको दूसरे वे से भी आपको बताते हैं, जो हमने कहा था कि एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस प्लस लेके बताते हैं, चलो देखते हैं क्या आता है, तो वो हम ये सॉल्व करने वाले हैं, चलो यहां से लिखते हैं, चलो देखते हैं क्या होता है। तो बस क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में आपको चेंजेस करना है, मतलब मतलब ये है एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस पॉजिटिव है ना, तो ऐसे में यहां पे ये देखो ये 40, ये 40 ए के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज है, तो ये क्लॉकवाइज है, तो ये यहां लिखते समय माइनस में लिखो, इनटू ए से लेके 40 तक का लेंथ ये 400, मतलब जो यहां पे इक्वेशन आपने लिखे है ना उसका उल्टा इक्वेशन लिखना है, यहां पे प्लस था ये टर्म, तो यहां पे ये टर्म माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये टर्म यहां माइनस था तो यहां पे ये टर्म प्लस हो जाएगा, प्लस 70 इंटू 1000, क्योंकि 70 जो है वो ए के रिस्पेक्ट में एंटी क्लॉकवाइज है, देखो 70 ए के रिस्पेक्ट में ऐसा एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज के लिए प्लस होता है, देखो यहां पे एंटी क्लॉकवाइज के लिए प्लस है, इसलिए हमने ये प्लस में लिखे, हो गया। उसके बाद 60 जो है वो ए के रिस्पेक्ट में ऐसा क्लॉकवाइज है, ठीक है, मतलब यहां पे हमने लिखे थे तो वो प्लस में था, लेकिन यहां पे वो लिखते समय माइनस में लिखेंगे, क्योंकि यहां पे एंटी क्लॉकवाइज के लिए प्लस लिखना है और क्लॉकवाइज के लिए माइनस लिखना है, तो हम यहां लिख लेंगे 60 माइनस में इनटू 1800, ठीक है। तो फाइनली हमने देखो ये जो यहां पे इक्वेशन लिखा है इसका एग्जैक्टली उल्टा इक्वेशन वहां लिखा है, बस इसको सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व करेंगे ना तो इसका आंसर आएगा -54,000 और इसका यूनिट रहेगा न्यूटन एमएम। तो ये देखिए, अब आप कहेंगे कि सर आंसर तो सेम नहीं आया, इसका तो आंसर प्लस में है, इसका तो आंसर माइनस में है, सेम नहीं आया, ऐसा नहीं है, अभी देखो पूरा होने का है, देखो अब तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट ट्विस्ट है, क्या ट्विस्ट है जरा आप ध्यान से देखो, ये देखो ये जो हमने मोमेंट निकाले थे ना, ये मोमेंट का आंसर प्लस में आया था, है ना, आंसर प्लस में आया था, तो हमने यहां लिखे थे क्लॉकवाइज, क्योंकि यहां पे हमने कंसिडरेशन किए थे कि क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज है तो निगेटिव, आंसर प्लस में आया तो मतलब क्लॉकवाइज था। यहां पर देखो, यहां पर हमने जो सॉल्व कर रहे हैं आंसर माइनस में आया है, और ये जो आंसर है ये हमने एंटी क्लॉकवाइज वाले के लिए सॉल्व कर रहे हैं ना, माइनस में आया, इसका मतलब ये क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, हम यहां लिख लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ये लिखना जरूरी है। तो ये देखिए माइनस में आया, इसका मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज है, और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज माइनस में है तो अगर आप साइन चेंज करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज का क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो देखो हम यहां पर साइन चेंज करेंगे, तो यहां पर माइनस का हम प्लस कर लेंगे 54,000 न्यूटन एमएम, तो अगर हमने साइन चेंज किए तो अब हम यहां ब्रैकेट में लिख सकते हैं, साइन अगर चेंज करेंगे तो, ठीक है, तो अब हम यहां लिख सकते हैं क्लॉकवाइज, तो ये देखिए ऐसा, तो ये इंपॉर्टेंट है क्लॉकवाइज, ये देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब चेक करो क्या ये दोनों मैच करते हैं, यस बिल्कुल मैच करते हैं, अगर आप एग्जाम में ऐसा सॉल्व करो ये आंसर आता तो भी फुल मार्क्स, अगर आप एग्जाम में ऐसा सॉल्व करो ये आंसर आता और आपने इस तरह से माइनस साइन हटा के अगर आपने ब्रैकेट में क्लॉकवाइज लिखे तो भी आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। चॉइस आपकी है कि एग्जाम में आपको दोनों में से कौन सा मेथड प्रिफर्ड करना है, वो आपके ऊपर है। एग्जाम में दो बार आ चुका प्रॉब्लम है, इसलिए हमने आपको कहा था कि आपके कॉलेज में आपके लेक्चरर आपको जो मेथड फॉलो करने के लिए कह रहे हैं आपको वो मेथड फॉलो करना चाहिए। अगर आपके कॉलेज में कह रहे हैं कि क्लॉकवाइज प्लस लेके सॉल्व करो तो आप ये सॉल्व करो, और अगर आपके कॉलेज में एंटी क्लॉकवाइज प्लस लेके सॉल्व करने को कह रहे हैं तो आप ये ऐसा सॉल्व करो, ठीक है, दोनों के दोनों सही है, दोनों में फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो फाइनली क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था कि मोमेंट फाइंड आउट करो, तो हमने मोमेंट फाइंड आउट कर लिया है, बस इतना ही सॉल्व करना था, ठीक है। एग्जाम में या तो डायग्राम और ये सॉल्यूशन बनाओ, या तो एग्जाम में डायग्राम और ये सॉल्यूशन बनाओ, ठीक है, समझ गए।
तो ये था मोमेंट ऑफ फोर्स, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 11। इसकी प्रैक्टिस आपको जरूर करना चाहिए। इसके पहले जो हमने इसके 10 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।